में न्यू सेशन में क्या क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया जा सके। सबसे पहले आप MVM पब्लिक स्कूल में आए हैं इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। इसलिए कि यह मेरी ही बात नहीं है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अपने बच्चों में भी ये संदेश देता हूं कि अगर कोई घर पर आ जाए, हमारा भी ये विद्यालय परिवार है इसीलिए आप आए हैं तो मैंने पहले आपका स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि मैं आपको दिखा दूंगा बाहर भी जो हमारे बैनर्स लगे हुए हैं या जो हमारे बच्चे हैं, आप मेरे हाथ में, आपने देखी मेरे हाथ में ये डायरी है बच्चों की, आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि हमारी जो शुरुआत है शिक्षा संस्कार और संस्कृति, सभी विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई होती है, जिन लोगों ने भी पढ़ने लिखने की व्यवस्था की है सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन MVM पब्लिक स्कूल में हम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रत्येक दिन बच्चों से हमारी बात होती है, हम प्रार्थना सभा में अपनी बातों को बच्चों के सामने रखते हैं और अभिभावकों से भी मेरी बातचीत होती है कि साहब हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये सर कि मैं क्लास की बात कर लूँ आपसे थोड़ी देर के लिए, मेरे यहाँ जो भी हमारे शिक्षक हैं या शिक्षिकाएँ हैं वो बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है पहले उसका वर्ड मीनिंग लिखाते हैं और बच्चों को होमवर्क देते हैं कि इसे कल याद करके आना है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसका जब वर्ड मीनिंग याद करके आते हैं बच्चे तब उसको एक्सप्लेन करते हो क्लास और एक्सप्लेन करके इंग्लिश विथ हिंदी कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसको वो अच्छी तरह से बताते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात सर मैं सभी उनसे देख करके उनको सुन करके उनके समझ में बात आए कि नहीं MVM पब्लिक स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ बच्चों को भेजा जाए, तो ये मेरी व्यवस्था है सर। हमने ऊपर नीचे काफ़ी मैं दिखाऊंगा आपको बच्चों को बैठने की व्यवस्था, उनके लिए बेंच डेस्क बोर्ड सारी व्यवस्था। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम RP शर्मा है। ओके, मेरा नाम RP शर्मा। क्या स्ट्रेंथ होगा अभी स्कूल का सर? अभी 150 बच्चे हैं। ओके, और क्या कुछ ऑफर दिया जा रहा है न्यू सेशन में 2000? न्यू सेशन में मैं सर अभी जो एडमिशन ले रहा हूँ बच्चों का, मैं एडमिशन फी नहीं ले रहा हूँ। मैं सर सिक्योरिटी मनी नहीं ले रहा हूँ बच्चों से, सिर्फ जो चीज़ें मैंने खरीद कर लाई है, किताबें खरीद कर आई है, ड्रेस खरीद करके आया हुआ है, टाई बेल्ट डायरी जो भी चीज़ मैं बाजार से लाया हूँ वो सिर्फ अभिभावक से मैं पैसा ले रहा हूँ और उसमें भी किताबों में छूट दे रहा हूँ अभिभावक जी। तो मेरी ओर से पूरी व्यवस्था है कि एक पैसा मैं एडमिशन फी या सिक्योरिटी मनी ये सब कुछ मैं नहीं ले रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे पास अभिभावक आएं और बच्चों को पढ़ाई में जो हमारी व्यवस्था है उसका लाभ उठाने की कोशिश करें। मैं सुबह से लेके जब तक क्लास आवर, यही नहीं अभी हमारे पास एक शिक्षक आए हुए हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, BTech है और वो 10th तक मैथ साइंस और इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश शुरू कि आप उसके बाद उनका क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखवाएं और लिखाने के बाद उसको फिर से याद करने के लिए पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है उसको हम सुसज्जित ढंग से चला रहे हैं। इसके अलावे सर हमारे MVM पब्लिक स्कूल में स्मार्ट क्लासेज हैं, कंप्यूटर क्लासेज हैं, खेल की अच्छी व्यवस्था है, मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे पास मैदान है, बच्चे खेलते भी हैं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य ही धन है, हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल करते हैं, इसलिए ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। सर इसके साथ साथ हम खास करके बच्चों के लिए जहाँ से बच्चे हमारे 10 गांव से बच्चे आते हैं बच्चों को लाने के लिए मेरे पास गाड़ी की व्यवस्था है, मैंने गाड़ी की फैसिलिटी दे रखी है, बच्चे आराम से सुविधाजनक स्थिति में बच्चे आते हैं और घर तक मैं बच्चों को छोड़वा देता हूँ, ये हमारी व्यवस्था है। प्रार्थना सभा सुबह में शुरू होती है, गर्मी का दिन हुआ इसलिए 8 बजे से हम शुरू करते हैं। प्रार्थना सभा में हमारे यहाँ गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, प्लेज क्विज प्रोग्राम, उसके बाद प्रत्येक दिन
निदेशक का मेरे द्वारा आशीर्वाद सुविचार बच्चों को, उसके बाद राष्ट्रीय गान, उसके बाद बच्चे जो है सो अपने क्लास में जाते हैं। तो मैंने बच्चों में जो आपसे मैंने बात कही कि शिक्षा के साथ संस्कार और उसके साथ संस्कृति, इन तीनों का सम्मेलन बच्चों में कि सन्निहित रूप से बच्चों का विकास हो, इसकी मैंने काफ़ी व्यवस्था की है। और आसपास में सर जो भी अभिभावक हैं, मैं बहुत दिन का नहीं, एक साल का स्कूल है, जो बच्चे मेरे यहाँ आ रहे हैं, अभिभावक खुद आकर के बोलते हैं कि नहीं सर, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपकी जो पढ़ाई है वो इतनी अच्छी है कि हमारे बच्चे बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं। और हमारे बच्चे ही प्रचारक हैं सर, आज के समय में प्रचार प्रसार का भी युग है। मैं पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ बच्चों पर फोकस करें, हमारे बच्चों की तैयारी कितनी अच्छी हो, जिससे कि बच्चे और दूसरे भी बच्चे जो आसपास हैं उनको मैं भी आमंत्रित करूंगा। कल परसों से मैं उसके लिए पंपलेट बना करके वितरित करूंगा। और अगला जो मेरा कदम है कि इंग्लिश अगर स्कूल है हमारा इंग्लिश मीडियम, तो सही माने में बच्चे हमारे इंग्लिश जानें, इंग्लिश बोलें और इंग्लिश में पढ़ें। मैं जहाँ तक सवाल है बच्चों को समझाने की, तो मेरी ये कोशिश होती है कि हिंदी में भी बच्चों को समझाया जाए, इसलिए कि कॉन्सेप्ट उससे मिलता है। अभी जो NEP लागू हुआ है, भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको जानकारी होगी कि क्लास 5 तक सरकार का आदेश है कि क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके पीछे सरकार की ये भावना निहित है कि बच्चे किसी चीज को समझ सके। इंग्लिश के नाम पर ठगने की बात नहीं, इंग्लिश पढ़ाएं, लेकिन आप हिंदी में भी बच्चों को समझाएं। हमारे जो भी टीचर हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि जरूर हमारा साइंस, हमारा SST सब कुछ इंग्लिश में है, आप बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन आप बच्चों को देखें कि आप जो पढ़ा रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, उनको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करें। तो मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है और हम अभिभावकों से निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि मेरे यहाँ अभी एडमिशन फी नहीं लग रहा है, कोई सिक्योरिटी। कहाँ पर ये स्कूल है सर? ये थोड़ा सा हमारा जो स्कूल है नौबतपुर रोड से बिल्कुल 300 मीटर पश्चिम महेंद्र रोड के नाम से लोग जानते हैं, और महेंद्र रोड में ग्रीन सिटी बना हुआ है। कोर्रा गांव है, रामपुर बगल में है, इसी कोर्रा गांव के आगे ग्रीन सिटी है, और ग्रीन सिटी में अवस्थित ये स्कूल है महेंद्र रोड।